किसी के लिए बहुत आसान है ये कह देना कि अब से झारखंड में न बस का टिकट लगेगा, न ऑटो में चढ़ने का पैसा देना होगा और न ही रिक्शे का कोई भाड़ा लगेगा। सुनने में ये बहुत लोक लुभावना लगता है, लेकिन ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं ये शॉर्टकट एक दिन लोगों को ही कंगाल कर देते हैं। आज मैं आप सभी को एक बात से भी सतर्क करना चाहता हूं। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना। अगर हमें आजादी के 100 वर्ष पर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है तो उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है, और परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। भाइयों बहनों, आजादी के बाद देश में जो राजनीतिक दल हावी रहे उन्होंने बहुत से शॉर्टकट अपनाए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के साथ आजाद हुए देश भारत से बहुत आगे निकल गए, हम वही के वही रह गए। आज हमें अपने देश को उस पुरानी गलती से बचाना है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आज हम सभी के जीवन में बिजली कितनी जरूरी हो गई है ये हम सभी देख रहे हैं। अगर बिजली ना हो तो मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पाएगा, न टीवी चलेगा। इतना ही नहीं, गांव में टंकी बनी हो, नल भी लगा हो, बिजली नहीं है तो टंकी नहीं भरेगी, टंकी नहीं भरेगी तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो खाना नहीं पकेगा। आज बिजली इतनी ताकतवर बन गई, हर कोई काम बिजली से जुड़ गया है। और भाइयों बहनों, अगर ये बिजली न होगी तो फिर शाम को डिबरी और लालटेन की रोशनी में रहना पड़ेगा। बिजली ना हो तो रोजी रोटी के अवसर कल कारखाने सब बंद हो जाएंगे। लेकिन बिजली शॉर्टकट से पैदा नहीं की जा सकती। झारखंड के आप लोग तो जानते हैं कि बिजली पैदा करने के लिए पावर प्लांट लगाने पड़ते हैं, हजारों करोड़ रुपए का निवेश होता है। इस निवेश से नए रोजगार भी मिलते हैं, नए अवसर भी बनते हैं। जो राजनीतिक दल शॉर्टकट अपनाते हैं वो इस निवेश का सारा पैसा जनता को बहलाने में लगा देते हैं। ये तरीका देश के विकास को रोकने वाला है, देश को दशकों पीछे ले जाने वाला है। आज बाबा धाम से मैं आप लोगों को, सभी देशवासियों को इस शॉर्टकट की राजनीति से बचकर रहने का हृदयपूर्वक आग्रह कर रहा हूं। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए और आधुनिक हाईवे नहीं बनवाएंगे, वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आज यहां झारखंड में हजारों करोड़ की नई सड़कों के लिए शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। किसी के लिए बहुत आसान है ये कह देना कि अब से झारखंड में न बस का टिकट लगेगा, न ऑटो में चढ़ने का पैसा देना होगा और न ही रिक्शे का कोई भाड़ा लगेगा। सुनने में ये बहुत लोक लुभावना लगता है, लेकिन ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं ये शॉर्टकट एक दिन लोगों को ही कंगाल कर देते हैं। जब सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा तो फिर वो नई सड़कों के लिए कहां से खर्च करेगी, नई हाईवे कहां से बनवाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से झारखंड के निवासियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है मेरे भाइयों बहनों।